महाराष्ट्र के जलगांव में दीपावली पर्व के बाद कपास के भाव में कमी के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन इस क्यास के बीच दीपावली के बाद कपास के भाव में कमी की जगह तेजी देखने को मिली। अच्छे किस्म के कपास के भाव 8,600 रुपए से लेकर 8,700 रुपए के बीच बोले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले में कपास की किल्लत के कारण इसके भाव में तेजी आई है। कपास की किल्लत को देखते हुए जिनिंग कारोबारियों ने 7,000 से 8,000 रुपए की जगह अच्छे किस्म के कपास की बिक्री दर 8,600 से 8,700 रुपए कर दी। ज्यादा दर की वजह से किसानों को फायदा होगा, जबकि खरीदारों को ज्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। वहीं जिनिंग प्रोसेसिंग एसोसिएशन ने इस वर्ष 25 से 30 लाख गांठ कपास का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। वहीं वापसी की वर्षा ने कपास को नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन इससे कपास के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई। वहीं खानदेश जिनिंग प्रोसेसिंग एसोसिएशन ने 30 लाख गांठ उत्पादन करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि दीपावली से हुई वर्षा के कारण कपास में नमी आ गई, इससे कपास की कीमतों में कमी देखने को मिली। कपास की कीमत 7,000 से 8,000 के बीच जा पहुंची। वहीं बाजार में कपास की आवक में कमी आने से कपास से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कपास के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। बाजारों में चर्चा है कि कपास के भाव इसलिए भी बढ़ गए ताकि किसान कपास को बाजार में ला सके। वर्तमान में अच्छी कपास की कीमत 8,500 से 8,700 रुपए है। बताया जा रहा है कि आसमानी तेजी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली। विदर्भ में कपास अभी खुले बाजार में नहीं आई है। विदर्भ में किसान कपास तभी बेचते हैं जब लाभ उत्पादन की लागत के साथ तालमेल रखता है। अगर विदर्भ कपास 15 से 20 दिन बाजार में आती है तो मौजूदा भाव में कमी आ सकती है। इससे किसानों को कुछ मात्रा में कपास बेचनी पड़ रही है ताकि कोई नुकसान ना हो और उत्पादन की लागत को कवर किया जा सके। वहीं जानकारों का कहना है कि अच्छे कपास की कीमत 8,500 से 8,700 रुपए के बीच है। ये कीमत कुछ दिनों तक ही रहेगी। आने वाले समय में कपास की आवक में वृद्धि के संकेत देखने को मिल सकते हैं, इससे कीमत ऊपर और नीचे बनी रहेगी। हालांकि इस साल कपास का अच्छा उत्पादन हुआ है और बाजार में अभी भी पर्याप्त कपास है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।